नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं चमनीज। वक्त हो गया है खबरों का। वैश्विक महामारी कोरोना काल में बिजली बिल में छूट देने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी सरकार के मुकर जाने के बाद भाजपा द्वारा बिजली बिल होली जलाओ आंदोलन राज्य भर में किया गया। लॉकडाउन कार्यकाल में महाविकास अघाड़ी सरकार ने कोरोना रोग संकट से लगाए गए लॉकडाउन के कार्यकाल में भेजे गए मनमानी बिजली बिल के मामले में नागरिकों को बिजली बिल में सहूलियत देने का आश्वासन दिया था, लेकिन दीपावली त्योहार के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने नागरिकों को बढ़े बिजली बिल में सहूलियत देने से इनकार करते हुए पूरा बिजली बिल भरने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी लगातार सरकार का विरोध कर रही है और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है। ऊर्जा मंत्री की इस घोषणा के बाद महावितरण और राज्य में बिजली आपूर्ति का ठेका लेने वाली कंपनियां बिजली बिल को वसूलने के लिए ग्राहकों के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने में जुट गई है, जिसका विरोध करने के लिए भाजपा की तरफ से राज्यव्यापी बिजली बिल होली आंदोलन किया गया है। प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं के आदेश पर ठाणे और भिवंडी शहर में बिजली बिल जलाओ आंदोलन किया गया और महाविकास अघाड़ी सरकार के विरुद्ध नारे भी लगाए गए हैं। ठाणे के आंदोलन में विनय सहस्त्रबुद्धे, पूर्व सांसद भाजपा नेता किरे सोमैया, पूर्व मंत्री विधायक तथा भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सर चिटरीस रविंद्र चौहान, भाजपा ठाणे शहर अध्यक्ष तथा विधायक निरंजन डावखरे, वरिष्ठ विधायक संजय केलकर, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव एवं पार्षद संदीप लेले ने अधिक बकाया बिजली बिल के विरोध में महावितरण बागले कार्यालय के सामने आंदोलन किया, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता तथा आम उपभोक्ता भी उपस्थित रहे थे। वहीं भिवंडी शहर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शक्ति और भिवंडी के सांसद कपिल पाटिल ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार बिजली कंपनियों से आर्थिक साठगांठ कर राज्य की जनता के साथ धोखा करते हुए उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की सरकार धोखेबाज सरकार है और जनता के साथ विश्वासघात करती है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। प्रदेश ऊर्जा मंत्री नितिन रावत द्वारा नागरिकों को बिजली बिल में सहूलियत देने के मुद्दे पर यूटर्न लेने का भाजपा कड़ा विरोध भी करती है, जिसके लिए भाजपा की तरफ से राज्यव्यापी बिजली बिल होली जलाओ आंदोलन भी किया जा रहा है। भिवंडी शहर के आनंद दीघे चौक पर बिजली बिल होली जलाओ आंदोलन किया गया, जिसमें नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। उल्हासनगर भाजपा आमदार कुमार यालानी, भाजपा पालिका विरोधी पक्ष नेता किशोर वनवारी, जिला प्रवक्ता मनोज लासी, महेश शुक्रमानी, सारे नामचीन नेता वहाँ पर मौजूद थे। पूरे महाराष्ट्र में 12 करोड़ जनता को महाराष्ट्र शासन ने आश्वासन दिया था कि कोरोना काल में जो अधिक बढ़े हुए बिल आए हैं, क्योंकि 3 महीने 4 महीने तक सभी के दुकान बंद थे, लोग घरों में बैठे हुए थे, किसी का व्यापार शुरू नहीं था और बिल का मीटर चेक करने वाले भी नहीं आए और सभी को एवरेज बिल भेज दिया, उसके बाद अचानक 13% की बढ़ोतरी कर दी। तिकड़ी सरकार बैठी हुई, बार बार आपस में लड़ाई, एक बोलता है लाइट के बिल कम करो, दूसरा बोलता है लाइट के बिल कम नहीं करेंगे। अचानक उद्धव सरकार ने घोषणा कर दी कि आप इंतजार मत करिए, आप सभी लाइट के बिल भरिए, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। यह एक महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। अपना किया हुआ वादा जो उन्होंने किया था कि हम राहत देंगे, उससे मुकर जाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आज महाराष्ट्र के सभी लाइट ऑफिसों पर धरना आंदोलन और लाइट के बिल इस प्रकार का आंदोलन करना और जनता के साथ खड़े होने के लिए कहा गया था। उल्लासनगर में हमने 9 स्थानों पर आंदोलन किया। हमारा कोरोना को देखते हुए हमने यह शांततापूर्वक आंदोलन किया, लेकिन हमने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले भविष्य में लाइट के बिलों को कम नहीं किया गया तो यह लाइट के कार्यालयों में हम घुस करके अंदर एक भी अधिकारी को काम करने नहीं देंगे। जनता के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यह तो जनता को धोखा दिया गया है जो बोल करके अचानक बोल रहे हैं कि अगर आप लाइट
आपका बिल नहीं भरेंगे तो लाइट कनेक्शन कट किए जाएंगे, इसका हम निषेध करते हैं। आघाड़ी सरकार का हम हाय हाय करके निषेध करते हैं कि आप सुधर जाओ वरना कुर्सी छोड़ दो। अब सिर्फ एक ही काम रह गया है, जो कुछ न करना केंद्र पर ठीकरा फोड़ना। अलग अलग राज्य हैं, 29 राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में देखिए लाइट के बिल राज्य शासनों ने बहुत कम करके कटौती करके लिए हैं, लेकिन बार बार केंद्र पर छोड़ देना। जब गरीब लोगों को राशन बांटा जा रहा था, अनाज बांटा जा रहा था, 500-500 रुपए की मदद भी दी जा रही थी, तब भी बोल रहे थे कि केंद्र नहीं करता है, जबकि सारा का सारे राहत कार्य केंद्र सरकार ने किया। यहाँ बांटे केंद्र सरकार ने, गेहूं बांटा केंद्र सरकार ने, दाल बांटी केंद्र सरकार ने, लोगों के घरों में 500-500 रुपए आए, गरीब लोगों को राहत मिली। किसान बिजली तरीके से प्रोसेस है, देखिए सरासर ये 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। कोरोना काल के 8 महीनों में जो अप्रैल माह में 13% बिजली के बिलों की बढ़ोतरी करके भेजी, जहाँ पूरा देश का व्यापार ठप था, सब लोग घर पे बैठे थे, दुकान बंद थे, कारखाने बंद थे, पर मनमानी सरकार ने, आघाड़ी और महाधोखेबाज सरकार ने अप्रैल माह में 13% भरा दिया। वो 1200 का बिल 4000 हो गया, वो 8 महीना नहीं बनने से 4000 का वो 50000 हो गया, और 50000 के ऊपर 22% जो ब्याज बढ़ गया, पेनल्टी पड़ गई, तो उससे महाराष्ट्र की जनता परेशान है, 12 करोड़ जनता। और अचानक से ऊर्जा मंत्री जो है उन्होंने पूरे तरह से खारिज कर दिया कि कोई भी बिजली के बिल में कटौती नहीं होगी, जो है आपको भरने होंगे, वरना महावितरण आपको सख्ती करेगी, आपकी लाइट काटेगी, आपके मीटर कटेगी, आपके मीटर उठा के जाएगी। तो ये 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के साथ महा धोखेबाज आघाड़ी सरकार ने बड़ा दगा किया है, बड़ा धोखा किया है। उसी को लेकर हुए आज पूरे राज्य भर में महावितरण के जितने भी कार्यालय थे उनके बाहर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने भरे हुए बिजली के बिलों को जलाकर होली की है, और इस सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो आपने वादा किया था उसको पूरा करो, जो मनमाने बिल भेजे थे उन बिलों में कटौती लाओ और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को राहत दो। उसी क्रम में उल्लासनगर में भी आज 9 बिजली महावितरण कार्यालयों के बाहर जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी, आमदार कुमार रानी की अध्यक्षता में सभी नगर सेवक पार्टी के सभी पदाधिकारी, महिला वर्ग, बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारी ऐसी भुक्तभोग महिलाएं खुद होकर जो बिल लाई थी, इसके घर का 4000 बिल आता था उसका 60-60 हज़ार बिल था, उन्होंने बिल दिखाए, वो चोर ही थी। उनको एक आस थी भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के आगे दबकर इस महाधोखेबाज आघाड़ी सरकार की नींद खुलेगी और ये 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ 8 लाख उल्लासनगर की जनता के साथ भी न्याय होगा। तो ये थी महाराष्ट्र की खास खबर। इसी तरह के देश और दुनिया की खास खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।